वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रिचा और आज हम लोग सेंट्रल टीईटी में आने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीडीपी का चैप्टर है, जो कि छठवां चैप्टर है, बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जिससे हर बार सेंट्रल टीईटी में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो अपने आज के वीडियो में मैं पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं इस चैप्टर से उसको डिस्कस करूंगी, तो जिससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए अब स्टार्ट करते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों से, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिक रूप से समूहों में। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसमें बच्चे जो है व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं, तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय है, उदाहरण पहला पब्लिक विद्यालय, दूसरा है सामान्य विद्यालय, तीसरा है फैक्ट्री विद्यालय, चौथा है प्रगतिशील विद्यालय। तो इसमें सही ऑप्शन होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा कि प्रगतिशील विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सीटेट 2012 में पूछा गया है, इरिक्सन जो है बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक के द्वारा किया गया है, पहला एरिक इरिक्सन, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, तीसरा ऑप्शन है बीएफ स्किनर और चौथा ऑप्शन है जॉन डीवी। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, जॉन डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2000 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है, पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार दाखिले उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, दूसरा है उचित सरकारें दाखिले उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी, तीसरा है दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है, चौथा है अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा दूसरा, उचित सरकारें दाखिले उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद पहला ऑप्शन है अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता, दूसरा ऑप्शन है लिंग के अनुसार अधिक समझाती है, तीसरा है आयु के अनुसार अधिक समझाती है और चौथा है आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है। तो जो शिक्षा का अधिकार नियम 2009 है उसके क्रियान्वयन के बाद कक्षा जो है वो आयु के अनुसार अधिक समझाती हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है, पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक, दूसरा है मानवीय, तीसरा है व्यवहारवादी और चौथा है सामाजिक सांस्कृतिक। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, मानवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र बिना किसी भेद के समान पद्धतियों और सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें, ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो, किसी भी जाति पंथ रंग क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें, चौथा है समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध करें। तो इसका सही आंसर दूसरा ऑप्शन होगा, ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है, पहला शिक्षक सूचना और प्राधिकरण से प्रवर्तक होते हैं, दूसरा ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, तीसरा अधिगम तथ्यों को एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है, चौथा है परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी। अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना। दूसरा है मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों का उनकी सजगता के लिए आकलन करना। तीसरा वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना। चौथा इस प्रकार की पद्धतियों का नियोजन करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा कि इस प्रकार की पद्धतियों का नियोजन करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित कक्षा कक्ष की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है अथवा शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों का आकलन करना है। दूसरा, शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाना है। तीसरा है, शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है। चौथा ऑप्शन है, शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। तो इसमें जो है दूसरा ऑप्शन सही होगा कि शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवादी शिक्षा अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांतों पर आधारित है, पाठ्य पुस्तक पर आधारित है क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत हैं। तीसरा, इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना है और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। चौथा, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है, ये सीटेट 2016 का क्वेश्चन है कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां, तीसरा उन विधियों को अपनाना जिसमें शिक्षा मुख्यकर्ता पात्र होता है, चौथा वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल का प्रयास सम्मिलित होता है। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष सत्तावादी होता है जहां शिक्षक आदेश देता और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करता है। दूसरा, सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। तीसरा, शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वहां अधिनायकवादी होता है। चौथा, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा कि लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में। घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए। तीसरा, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। चौथा, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार करे। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ये तीसरा कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था के लिए। थैंक यू।